हेलो फ्रेंड्स, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या बड़े जोड़ों का गठिया एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत यंग एज में हो सकती है और इसकी वजह से दोनों हिप जॉइंट कम्प्लीटली फ्यूज हो सकते हैं, जाम हो सकते हैं। आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी फ्यूज हो सकती है, जिसको बैम्बू स्पाइन कहा जाता है। ऐसा होने से पेशेंट की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, स्पेशली यंग पेशेंट्स जो कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक पेशेंट जिनको कि सीवियर एंकाइलोजिंग की प्रॉब्लम थी, जिनके हिप जॉइंट में बोनी फ्यूजन हो गया था। इनकी उम्र 40 साल है और ये नासिक महाराष्ट्र से हमारे पास आए थे। इनके लिए दोनों टांगों को चौड़ा करके बैठना या खड़े होना तक पॉसिबल नहीं था, तो बाइक चलाना, कार चलाना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, क्योंकि बैठने में बहुत तकलीफ थी। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि दोनों हिप जॉइंट्स के रिप्लेसमेंट के बाद इनकी कैसी लाइफस्टाइल है और वो कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। टांग छोटी लगती है आपको? लेफ्ट लगती है ना? करेक्ट, ठीक है। लाइट ऑन कर बेटा, कर्टन हटा दो, ब्लैंकेट हटा दो। बायलेटरल एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और दोनों तरफ कंप्लीट बोनी फ्यूजन है। तो ऐसे केसेस में जब हम पेशेंट को देखते हैं तो टांग को हम किसी भी प्लेन में मूव नहीं कर सकते हैं। जिनसन, आप देख पा रहे हो? तो ये मूवमेंट फुल बॉडी की है, एक सिंगल यूनिट की तरह मूव हो रहा है। और ये भी ओके, इसको मोड़ सकते हैं नी को। सो ये लेग लेंथ है, लेफ्ट साइड की जो लेग लेंथ है ये कम है राइट के मुकाबले। ओके, और टो मूवमेंट करो, पैरों की मूवमेंट करो। हाँ ओके, ग्रेट। ओके, सो वी चेकिंग हिप मूवमेंट्स इन एंकस्पॉन्ड बोनी फ्यूजन। तो हमारे पास सिर्फ नी पे मूवमेंट है। अगर आप हिप को आगे पीछे करें या हल्का सा इसको अब ऊपर करें तो कोई मूवमेंट नहीं है इसके अंदर, ये पेल्विस मूव हो रहा है। ओके, थोड़ा सा और पीछे जाने का है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। सो प्रफुल, अभी देखिए आप बिना सपोर्ट के चलेंगे खुद से? प्रफुल चल पाओगे? कुछ नहीं, मैं तो कोशिश करूंगा। हाँ, लेकिन काका रुको, मैं ना काका रुको, रुको रुको काका, एक मिनट चल के देखो। वेरी नाइस, दे दो सपोर्ट, दे दो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा इससे कि इसके बिना भी चल सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड को हल्का सा प्रोटेक्ट करना है, बट कोई बात नहीं, चलते जाओ। वेरी नाइस। So, सर्जरी के पहले एडक्शन डिफॉर्मिटी थी, यानी कि दोनों पैर एक दूसरे के पास रहते थे और जो नीज थे दोनों ये भी एक दूसरे के पास रहते थे। अभी देखिए कितना अच्छे से हो गया गैप। अंदर लाएंगे बीच में दोनों पैरों को, आप थोड़ा मैं मदद करूंगा, अभी पावर नहीं आया है मसल में। वेरी नाइस, तो ये बीच में हो गया और अभी भी नीज में गैप है। और अब अगर हम बाहर निकाल दें इसको तो ये हमारा टेस्ट होता है कि हमारा ऑपरेशन के बाद हिप मोबाइल हो गया, ये पोजीशन है अभी। ग्रेट, चलिए अभी मोड़ देंगे, ये इनका हिप का मूवमेंट। कवर कवर, मैम आई एम वाचिंग, ये इनका हिप का मूवमेंट है, राइट हिप का। इनकी राइट हिप की सर्जरी को आज थर्ड डे है। बहुत अच्छे से इनका मूवमेंट आ रहा है। और ये इनकी लेफ्ट साइड का मूवमेंट है। शुरू में एंकाइलोजिंग के पेशेंट ऐसा फील कर सकते हैं कि हमारे को ऐसा लगता है पैर बाहर की तरफ जा रहा है, क्योंकि मसल वीक होती है। वो जैसे जैसे मसल में पावर आता है वैसे वैसे अच्छा होता जाता है। ये एक और टिप है एंकाइलोजिंग के पेशेंट्स के लिए कि हिप में आगे स्ट्रेच फील करते हैं बिकॉज हिप हमारे फ्यूज हो गए होते हैं, जाम हो गए होते हैं। तो हम घुटने के नीचे एक ऐसा करके पिलो लगा देते हैं दोनों तरफ, जिससे कि पेशेंट को लेटने में बहुत कम्फर्ट आता है। सर एक बार आएंगे आप?
चलो सही, ओके हो गया। बस ऐसे करने से थोड़ा लेटने में भी कंफर्ट आता है, थोड़ा मसल भी रिलैक्स होती है। कैसा लग रहा है अभी? जी पहले से बहुत अच्छा है। पहले से बहुत अच्छा है ना, तो मूवमेंट आ गया। अभी दर्द कितना है? दर्द तो मुझे यानी 10% भी नहीं लग रहा सच कहूँ तो। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मैं आपसे ब्रेक के बाद दोबारा मिलता हूँ, सर्जरी करके आता हूँ, ड्रेसिंग भी चेंज करेंगे आपकी आज, ठीक है? ताकि अपना पैर का मूवमेंट चालू रखो। हाँ गुड, ये एनिमेशन एक्सपर्ट है, मेरे को बताया नहीं आपने। ओके, इसकी वजह से थोड़ा ब्रेक हो गया। अभी ब्रेक खत्म, एनिमेशन बहुत कुछ किया है सर जी, लेकिन इसकी वजह से। अच्छा, ये महाराष्ट्र में लोग बहुत टैलेंटेड है म्यूजिक को लेकर, तबला वगैरह सब कुछ। मैंने इधर बॉम्बे में भी देखा तो जितने डॉक्टर थे ना, सब कोई गाना गाता है, कोई कुछ बजाता है, ड्रम सेट तबला वगैरह सब म्यूजिशियन तो भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी थोड़ा। ये ठीक होएंगे ना अभी, फिर इनका तबला का भी वीडियो मंगाएंगे हम। चलो, सो प्रफुल की सर्जरी दोनों साइड की हो चुकी है, हिप रिप्लेसमेंट बोनी फ्यूजन के लिए, जिसमें कि ऐसे नहीं बैठ सकते थे जैसा अभी एंगल लेके बैठे हैं, और ये एंगल बहुत इंप्रूव होने वाला है, ये नॉर्मल हो जाने वाला है। इनके बैठने में अपने को कोई आइडिया नहीं लगेगा कि इनको हिप पे कभी मूवमेंट नहीं था, ऐसा नहीं लगेगा कभी भी। तो आज ये नासिक से आए थे, आज वापस जा रहे हैं फ्लाइट लेके, तो हमने इनको स्टॉकिंग्स दिया है ताकि स्टॉकिंग से थोड़ा स्वेलिंग कम आता है लेग्स के अंदर, बिकॉज हाइट चेंज होने से प्रेशर चेंजेस होते हैं। तो कल जब हम प्रफुल से बात कर रहे थे तो इनका एक मैसेज था, पूछते हैं क्या मैसेज था बताओ। सर मैसेज ये था कि अब आपका जो यूट्यूब चैनल है वो कभी बंद मत कीजिए, या फिर उसको यानी डेली वीडियो डालते जाइए। यानी मैंने तो आपको देखा है कि आप हमेशा बिजी शेड्यूल रहता है आपका, अब मैंने आप रहकर आप खुद देखा है कि आप बहुत बिजी रहते हो, आपको टाइम नहीं मिलता होगा शायद, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप यूट्यूब चैनल अपना चलाते रहिए, जो कि मेरे जैसे जो पेशेंट है उनको फ़ायदा हो। यानी जो थोड़ी सी यानी आपकी जो वीडियो देखकर सोचते हैं ना कि चलो मैं भी ठीक हो सकता हूँ, मैं भी चल सकता हूँ, मैं भी कुछ काम वगैरह कर सकता हूँ, तो एक आपकी वीडियो देखने से हिम्मत भी मिलती है, और यानी एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो मैं कुछ कर सकता हूँ। और 1,00,000 लोगों ने यानी 1,00,000 व्यूवर्स भी हो गए, और उसमें से एक भी आ गया, एक मेरे जैसे कुछ ठीक हो गया, तो आपके यूट्यूब का यानी सक्सेसफुल पॉइंट रहेगा वो। यस, आपको तो खुशी होगी होगी। yes, और मुझे भी होगी कि चलो मेरे जैसे कोई। तो प्रफुल के जो मैसेज आई है इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया, बिकॉज इनके मैसेज से कल मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, बिकॉज पिछले महीने हम बहुत बिजी रह गए, और मैंने पिछले 3-4 हफ्ते से ना कोई लाइव शो किया है ना कोई वीडियो डाला है, बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल। बट इनके इस मैसेज के बाद मैं डेफिनेटली अगले 2-3 वीक्स के अंदर बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करूँगा। और प्रफुल ने अपना एक पिक्चर भी मुझे भेजा है सर्जरी के पहले कैसे बैठते थे अपने घर में, और अभी हम देख रहे हैं कैसे बैठे हैं। सो ये बहुत ही अमेजिंग है, और इनकी रिकवरी को भी सिर्फ हम 4-5 दिन की रिकवरी देख रहे हैं, 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने में जो इनकी रिकवरी होगी वो बहुत ही अमेजिंग होगी। हमारे एंकल लोजिंग के पेशेंट हमें वीडियो भेजते हैं, स्कूटी चला रहे हैं खुद से, तो मतलब बहुत ही खुशी मिलती है हमें। माई बेस्ट विशेज प्रफुल, थैंक यू। प्रफुल के फादर, इनके ब्रदर, सब लोग साथ में आए हैं, इनका पूरा सपोर्ट सिस्टम है, और बहुत विश्वास करके आना होता है जब इतनी दूर से आपको आना हो, और तो मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ कि इन्होंने विश्वास किया मेरे ऊपर, और हम उनके विश्वास को पूरा रख पाए और इनको कंफर्टेबली वापस घर भेज रहे हैं आज। और सर यूट्यूब वीडियो का इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि मैं खुद यूट्यूब वीडियो देख कर ही यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र से दिल्ली तक आना यानी कुछ ये नहीं था रीज़न। तुम्हें मराठी मध्ये सांगा ना, मराठी महाराष्ट्रीय लोगों के लिए कुछ। माझ्या महाराष्ट्र मित्रांसाठी एवढंच सांगतो मी की तुम्हालाही जर म्हणजे हा प्रॉब्लेम असेल तर बिंदास राहा, सरांवर भरोसा ठेवा, बिंदास सरांशी कॉन्टॅक्ट करा, वाटल्यास तुम्हाला जिथे ऑपरेशन करायचं असेल तिथे करा, पण एकदा सरांचा सल्ला नक्की घ्या, त्यांच्या सल्ल्यामुळे तुम्हाला नक्कीच काहीतरी कुठेतरी थोडाफार का होईना फायदा होईल। आणि हिंमत हारू नका, हिंमत आपल्या ठेवा, आपली हिंमत खूप म्हणजे जरुरी असते।